हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, नीलामी से पहले हार्दिक पांड्या को लेकर बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो दोस्तों इसी के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें हार्दिक पांड्या की, तो दोस्तों बता दें कि हार्दिक पांड्या जो कि एक शानदार ऑलराउंडर है और आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे थे हार्दिक पांड्या, लेकिन इस वर्ष मेगा ऑक्शन से पहले हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया था। तो दोस्तों ऐसे में मेगा ऑक्शन से पहले कई बड़ी टीमें जो कि हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी, तो दोस्तों अब बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है अहमदाबाद की तरफ से। जी दोस्तों बता दें कि अहमदाबाद एक नई टीम है और पहली बार आईपीएल में खेलते हुए नजर आने वाली है। तो दोस्तों बता दें कि अहमदाबाद ने हार्दिक पांड्या को 16 करोड़ का ऑफर दिया था अपनी टीम में शामिल होने के लिए मेगा ऑक्शन से पहले, और साथ में कप्तानी बनाने का भी वादा किया था। जी हां दोस्तों, और खबरों का माने तो दोस्तों हार्दिक पांड्या इस बात को मान लिए हैं और जल्द ही हार्दिक पांड्या को बतौर कप्तान घोषित करने वाली है अहमदाबाद। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्या लगता है बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या का कैसा रहेगा प्रदर्शन अहमदाबाद की तरफ से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।